राजधानी लखनऊ में सोमवार की शाम जनप्रिय राजनेता रहे डीपी वोरा के नाम रही। डीपी वोरा की 86वीं जयंती पर एक भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज में उनके अद्वितीय योगदान और संघर्ष को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कवि डॉक्टर सुनील जोगी एवं लखनऊ के विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित हुए। सभी ने डीपी वोरा को अपने अपने तरीके से याद किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि कैसे वो छात्र राजनीति के दिनों में डीपी वोरा जी से राजनीति के गुरु सीखने जाया करते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाबूजी गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए हरदम तैयार रहते हैं। पाठक जी ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा कि बाबूजी हमेशा हमारी मदद करते थे। हम शासन उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, 89 की बात है, और पैसा सब तक था नहीं, खाना भी मांग के ही खाना है, हॉस्टल में सोना है, गरीब पीछा करके, इतने गद्दे नहीं होते थे। तो बाबूजी सुबह सुबह 9 बजे तो मिले बाबूजी हमको, टोपी भी लगा एकदम टाइट, सुबह 9 बजे कहे कुछ बात करनी है, थोड़ी दूर हमको ले गए, जुलूस उलूस था उस जमाने में, बाबूजी ने 5,000 रुपए दिए। और जब जब हम चुनाव लड़े, एक चुनाव नहीं, जब जब हम यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़े, बाबूजी के साथ एक आदमी और रहते थे। आपने बहुत मदद करी है बाबूजी के साथ, करी है ना। और बताए 90 में दोनों जनी गिरजा भैया, बाबूजी 10,000 रुपया दिए थे। आज हम लोग जो खड़े हैं, आप लोग सोचते होंगे सफलता की सीढ़ी ऐसे ही आ जाती, हजारों लोगों का आशीर्वाद होता है, लाखों लोगों की दुआएं होती है, और बाबूजी का आशीर्वाद, बाबूजी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर। डीपी वोरा की जयंती पर आयोजित समारोह में उनके समाज के प्रति संघर्ष को दर्शाने के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की गई, जिससे समाज को नई ऊर्जा और दिशा मिल सके। लखनऊ उत्तर से विधायक डॉक्टर नीरज वोरा ने बताया कि कैसे उनके आदर्श जीवन में प्रेरणा देते हैं। हमारे साथ हैं लखनऊ उत्तरी के विधायक श्री नीरज वोरा जी, आइए इनसे जानते हैं क्या प्रोग्राम था। सर क्या प्रोग्राम था आज? देखिए आज हमारे पूज्य पिता श्री स्वर्गीय डीपी वोरा जी की 84वीं जयंती है, उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर समारोह बनाया, समारोह का आयोजन किया, उनको श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने का। पूज्य डीपी वोरा जी लखनऊ की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इतिहास है उनके साथ। वो 1966 में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने, 69 में पहली बार विधायक बने सबसे कम उम्र के, फिर 77 में विधायक बने, और पूरे जीवन कालखंड में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, गरीबों के लिए संघर्ष किया है। इस लखनऊ शहर में उनके द्वारा 17 गरीब बस्तियां बसाई गई हैं, जो आज भी वहां पर लोग रहते हैं, और निश्चित रूप से वे आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे जिनको उन्होंने बसाने का काम किया है। एक लखनऊ का इतिहास उनके यादों के साथ, स्मृतियों के साथ जुड़ा हुआ है। उन स्मृतियों को पुष्पांजलि देने के लिए आज उनके जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित थे। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आदरणीय नीरज जी, हमारे MLC आदरणीय संतोष सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र प्रधान जी, आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ला जी, विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, हमारे बीच में बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग जो लखनऊ के हैं, वे सब यहाँ उपस्थित हुए। और यह जो शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम था, वो आदरणीय पद्मश्री श्री सुनील जोगी जी का कार्यक्रम था। सुनील जोगी जी को सुनने के लिए पूरे देश के लोग बहुत इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, और विशेष बात यह है कि सुनील जोगी जी भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है, उन्होंने आए, उन्होंने आज जो यहाँ के लखनऊ के लोगों को सुंदर सुंदर छंद, शायरी, गीत सुनाए, सबको मनभावन लगे, सबको बहुत अच्छे लगे। लखनऊ की जनता के लिए कोई बात अगर कहना चाहें? हम यही कहेंगे कि हमें आज स्वर्गीय डीपी वोरा जी से जो प्रेरणा प्राप्त होती है, संघर्षों की, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने का जो काम किया उनके द्वारा, लखनऊ के लिए पेयजल के लिए जो पानी दो आंदोलन था, वो आज भी लखनऊ के लोग याद करते हैं। उस समय खाली एक ही वाटर वर्क्स था, अशफाक वाटर वर्क्स, उन्होंने आंदोलन किए, तो दूसरा वाटर वर्क्स बालागंज हुआ, तीसरा वाटर वर्क्स गोमती नगर में बना, उन्होंने मछुआरों के लिए आंदोलन किया, उन्होंने हिंदी को लेकर हिंदी आंदोलन किया था, उन्होंने स्पिरिट आंदोलन किया था, संघर्षों से बड़ी दास्तां है उनकी, तो हमें उससे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। और लखनऊ के लोगों के लिए जो भी
भरसक प्रयास हो वो करने से। कार्यक्रम में देश के जाने माने कवि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सुनील जोगी और लखनऊ के कवि सर्वेश अस्थाना ने काव्य पाठ प्रस्तुत किया, जिसमें हास्य और वीर रस की अद्भुत धारा प्रभावित हुई। एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, कुछ बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बना दो। सुनील जोगी की रचना हम यूपी वाले भैया हैं ने वहां उपस्थित दर्शकों की तालियां बटोरी। वहीं सारे दलों से मचा है हाहाकार। रसिया ने लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर किया। विचार के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, 1 2 3। विचार के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। इक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। ये समर्थन 10 गुना कर दो तो मैं आपका आनंद 100 गुना करने का वादा करता हूँ। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, महापौर सुषमा खरकवाल, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, भाजपा नेता नीरज सिंह, राजू पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा सहित विधानसभा और विधान परिषद के कई वर्तमान और पूर्व सदस्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी संवाद।